बहुत ही स्पेशल दिन होता है, हम सब जानते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज दही हांडी भी है और 15 अगस्त भी है, तो दुगनी खुशी है एक ही दिन। तो सबको मेरी तरफ से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में, और जिस तरह से मैं इतने सालों से पॉजिटिवली काम करती आई हूँ और हमेशा अपने काम को बहुत मैंने महत्व दिया है, तो आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। तो आप लोग भी इस दिन को साक्षी रख के अपने जीवन की नई और अच्छी पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करिए। जन्माष्टमी की बात करें तो कोई ऐसा मेमोरीज है जो शेयर करना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करती थी उसके बारे में कुछ बताइए। सेलिब्रेशन का नहीं था एक्चुअली, हमारे वहाँ पे इतना नहीं होता है। नॉर्थ में दही हांडी हमारे वहाँ पे फास्ट रखा जाता है और कृष्ण जी की पूजा की जाती है, वैसा रहता है। लेकिन दही हांडी मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं करण को इसी इवेंट में मिली थी। दही हांडी का करण का खुद का इवेंट था और उनके खुद के इवेंट में उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था, तो मैं मिली थी उनसे। तो ये एक्चुअली इसलिए मेरे लिए दही हांडी बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑफ करण, और आज तिथि के हिसाब से देखा जाए तो आज 2 साल पूरे हो गए हैं। फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप लोग मुझे इतना प्यार देते आए हैं हमेशा और आगे भी देते रहिए। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी विशाल जी का, जिन्होंने मुझे आज इस इवेंट पे बुलाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के इवेंट्स का क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स और इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि है। मैं हमेशा से कनेक्टेड रही हूँ, चाहे वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट क्यों ना हो, चाहे वो CCL हमारी क्रिकेट के टूर्नामेंट क्यों ना हो, और BCL क्यों ना हो टेलीविजन के लिए। तो आई लव स्पोर्ट्स, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरीके का कुछ अगर होता है तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाली एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो और आज के कार्यक्रम की बात करें तो किस तरह से तैयारी की आप लोगों ने? सभी को पहले पूरे भारतवासियों को आज जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, आज इंडिपेंडेंस डे है इसकी भी बधाई देना चाहेंगे। और कन्हैया तो सभी के प्रिय देव भगवान हैं, और दही काला और यहाँ जो सेवा साई सेवा चैरिटेबल है BJP की तरफ से, जो हर बार दही हांडी का प्रोग्राम किया जाता है वहाँ हम लोग चीफ गेस्ट हर बार आते रहते हैं, और इतना अच्छा प्रोग्राम इन लोग आयोजित करते हैं। हमारे विशाल भगत जी हैं, उनका बड़ा अच्छा इसके सहयोग है, और उनको भी धन्यवाद देते हुए हम फिर से सभी को धन्यवाद देंगे। और रही दही हांडी की बात, तो दही हांडी एक ऐसी चीज़ है जो परंपरा हमारे महाराष्ट्र में देखी जाती है, इसी परंपरा को बाहर फॉरेन में भी ले गया है। और आप देखेंगे कि इस दही हांडी में अभी जो ग्रुप आया उसमें लड़कियां भी आई है, तो ये प्राउड फील होता है, प्राउड मोमेंट है कि लड़कों के साथ में हमारी बेटियां भी इस मोमेंट को एंजॉय करती है। और बस इतना ही। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दही हांडी की बात की जाए तो क्या खास है इस मंडल में? आज दो तरफा खुशी है कि आज हमारे मंच में हिंदी फिल्म की हीरोइन नारा गुप्ता जी आई हुई हैं और समाज सेविका बबीता वर्मा जी आई हुई हैं, और यहाँ पर हर साल हम लोग इसका गोविंदा पदक का आयोजन करते हैं। आज जश्न आज़ादी भी है और गोविंदा का दही उत्सव भी है, बहुत बहुत ही खुशी का दिन है कि आज गोविंदा जी के जन्मदिन में आज हम लोग इतने सारे एक साथ एक समूह एक इकट्ठा होके और कृष्ण भगवान को याद करते हैं और उनका उत्सव को याद करते हैं और उन्हीं के मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं। आपको बताना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, जो गीता में जो लिखा हुआ है, अगर वो इसे आम आदमी भी अगर पढ़ता है, आम आदमी, तो उसको अगर वो स्वीकार करता है और कृष्ण की बोल को अगर वो स्वीकार करता है तो निश्चित ही वो तरक्की करेगा और वो विकास में उसको किसी प्रकार की प्रगति में उसका बाधक नहीं होगा। आज के मंडल की बात की जाए तो गोविंदा पदकों की सुरक्षा के लिए किस तरह का व्यवस्था किया गया? हमारे महाराष्ट्र सरकार, हमारी मुंबई के अध्यक्ष आशीष सिलार जी के बहुत ही अच्छा व्यवस्थित किया गया है, यहाँ के पुलिस प्रशासन हर तरह से मजबूती के साथ में हर तरह का व्यवस्था किए गए हैं। मैं उनका अपने गोविंदा पदक ये यहाँ वीरा देसाई के तरफ से और साईं चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और जिस प्रकार वो पूरे मुंबई में सुरक्षा का व्यवस्था किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सोच को ऊपर करने के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इतना बड़े पैमाने में किसी को प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और सहूलियत के साथ में हर तरह का वातावरण हो, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी TVCNA कामगार संघ मुंबई की तरफ से
मैं फूलचंद मोबाइल हर साल मैं ये दही हंडी का आयोजन करता हूँ, और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हर साल बहुत से 25 से 30 दही काला पतक आते हैं, और यहाँ पे दही हंडी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता है उनका। और हमारे लिए यहाँ पे हमारे विशाल कुमार जी है, अरुण भार्गव जी है, हमारे फूल सिंह जी है, कि हमें इनका मार्गदर्शन मिलता है, और इसी तरह से हम बड़े उत्साह से ये जो कार्यक्रम है बड़े उत्साह से हम लोग ये करते हैं। और हम हमारे मुंबई अध्यक्ष का आशीष शेलर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने जो थर के पर जो जिस तरह का की पाबंदी लगाई थी हाईकोर्ट ने, वो पाबंदी के लिए उन्होंने लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और वो पाबंदी अब हट चुकी है, और इसकी वजह से गोविंदा इसमें जो सर उल्लास है उनमें। लेकिन दूसरी तरफ ये हाईकोर्ट का एक दूसरा भी निर्णय जो आया है कि यहाँ पर जो है डीजे जो है जो गोविंदा की शान होती है डीजे बजाना आवाज़ के साथ में, लेकिन वो हाईकोर्ट के वजह से हम लोगों को बंदी कर दी गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और बाकी जन से भी मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे जो त्यौहार है त्यौहार के समय हमें जरा उसके लिए उसमें जो नियम है उसमें शीतलता की जाए और हमें डीजे बजाने दिया जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अब तक कितना गोविंदा पथकों ने लिया? अभी तक मैं 10-15 टीम यहां आके अपना प्रदर्शन करके जा चुका है, मगर डीजे पे जो प्रतिबंध है उसके वजह से दिक्कत हो रही है लोगों को, क्योंकि पता नहीं चलता है, फिर आते हैं करते हैं वो, मगर वो उत्साह वो उमंग वो नहीं है जो होना चाहिए था। अगर कोर्ट उसमें कुछ रियायत देती तो बहुत बढ़िया बात है।